कह देना अपने राजा बाबू से कि जैसा वो चाहते थे वैसा कर दिया हमने, हमेशा की तरह। ब्रीफकेस ले आना। निधि, श्रवण कहाँ है? भाई मैं तो बड़ी बेचैन हो रही हूँ उसको ये खुशखबरी सुनाने के लिए। हाँ दादी, आप श्रवण को कुछ नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगी सब कुछ। आप सब लोग वही करेंगे जो मैं आपको कहती हूँ, ठीक है? मतलब ये कि थोड़ी ना होगा, श्रवण कभी नहीं मानेगा और हम पकड़े जाएंगे। अरे नहीं नहीं नीता, वो मान जाएगा, प्लीज मेरा यकीन करो। नीति बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या बात है? चारों लेडीज जयसवाल खानदान की किटी पार्टी ड्रेस में सज धज के बैठी है। अरे निधिडियत सुनो तो, अरे आपको एक बात बतानी है। अरे आप घबराने की कोई बात नहीं है, अब कोई नहीं आएगा इस घर में मेरे बारे में पूछता हुआ। वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने, समझा दिया उस बुड्ढे को। श्रवण, तुम किसके बारे में ऐसे बोल रहे हो? तुम्हें पता है पापा ने आज? अरे नहीं भाभी, मैं पापा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चुप कर, ज्यादा मत बोल, मेहरबानी कर हम पर। लेकिन हुआ क्या, हिटलर ने फिर से कुछ? चुप कर बदतमीज, कुछ भी बोलता रहता है, समझ नहीं इस लड़के। तो बताओ तो सही, हुआ क्या? कुछ मत पूछो, जाओ जाकर अपनी निधि डियर से पूछो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज उस बेचारी ने, क्या लेकिन इसके बाद सब डरेंगे। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि आहट आने वाला है सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे। वो सब तो ठीक है, तू बता वहाँ अकेले अकेले खड़े खड़े तो क्या कर रही थी? सोच रही थी है ना, द्वार में पड़ी एक गुड़िया सोचते सोचते शर्माती और फिर धीरे से मुस्कुराती है। क्यों? देखो देखो देखो, प्यार में कैसे उसके चेहरे का रंग बदलता है। भाई हमने तो पहले ही कहा था कि श्रवण तो कब से आंखों में समाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है श्रेया, कि बहुत बड़ी गलतफहमी। मुझसे प्यार क्यों करेगा? बिल्कुल श्रेया, कोई इससे प्यार क्यों करेगा? पागल प्यार के बारे में सब कुछ जानती है ना, बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। ओहो भोली साची, अब तो सच को समझ। निधि डियर बताओ ना क्या किया हिटलर ने आज? माय डियर भाभी, मैं अपनी तरफ से मामला सेट कर आया हूँ, पापा को मेरी तरफ से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये हमेशा मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेट करने के प्लान क्यों बनाते रहते हैं? अरे सुन साची, एक बड़ा ही मस्त आइडिया आया है मुझे, क्यों ना हम एक ही दिन एक ही मंडप में एक साथ शादी करें, क्या कहती है? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मंडप अलग अलग बनाने पड़ेंगे, वरना जैसे टीवी सीरियल में होता है तुम दोनों की दूल्हों की अदला बदली हो गई तो। नहीं, हम कोई दूसरा दूल्हा क्यों लेंगे? हम तो बस क्यों क्यों। अरे अरे साची बताओ ना, देखो मैंने आपसे कहा था कि मैं मामला रफा दफा कराऊंगा, सो आज कराया मैंने अपनी तरफ से। हम तेरी शादी पक्की कराए हैं। क्या शादी पक्की कर दी? हाँ, और कोई चारा ही नहीं था, कल तो हमारे साथ चलेगा, लड़की को देखेगा और बात पक्की हो जाएगी, समझा? चारा नहीं था मतलब मुझसे पूछे बगैर? मुझे पता है ये हिटलर बदला ले रहे हैं ना मुझसे, लेकिन भाभी आप तो समझ सकती थी। मैं क्या समझती श्रवण, अगर तू उस लड़की को देखता ना तो तेरी भी बोलती बंद हो जाती। मैं कोई लड़की बड़की नहीं देख रहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस बार मैं ऊपर मना कर दूंगा। मना कर ही नहीं पाएगा। मतलब एक बार तो चलकर उसे देख तो सही। इतना कॉन्फिडेंस,
भाभी डियर, आप इतने कॉन्फिडेंस से, मतलब आप ये कैसे कह सकती कि मैं मना कर ही नहीं पाऊंगा? श्रवण डियर, मैं कौन हूँ? भाभी डियर, तो फिर मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या जानती है वो? कैसे? नहीं, लेकिन फिर ये क्यों बोला कि आऊंगा नहीं तो पछताऊंगा? कहीं तारा से ही तो बात पक्की नहीं कर दी? शायद जैसे मेरी दादी ढूंढ रही हैं, वो आप ही हो। श्रवण, श्रवण, क्या हो रहा है यार? सुबह के 5? सुबह के सपने तो सच होते हैं ना? हे भगवान, मेरा ये सपना सच कर दो प्लीज। निधि डियर जिसको दिखाने लेके जा रही है वो लड़की तारा ही हो। जाना होगा, ये चांस तो लेना ही पड़ेगा। सोए और एकदम फ्रेश फ्रेश उठे और तेरा चेहरा खिला खिला लगे। आज वो लोग आएंगे ना तो वो भी तो देखे। हाँ, जा नहा ले जा। बिल्कुल नहीं, आज तो बिल्कुल काम नहीं करेगी। पैर में मोच आ गई तो जा आराम कर। हाँ भाई, आज तो तुम नई नवेली दुल्हन की तरह साज श्रृंगार कर इंतजार में बैठो और हम लोग कोल्हू की बैल की तरह काम करेंगे। एक दिन 4 कुशन क्या उठा लिए, कोल्हू का बैल बन गए। तुम क्यों खड़ी बेटा, तू जा नहा ले। पता है ये हमारी नई मालकिन है, बड़ी जालिम है। चुप कर, सुन रही हूँ मैं। हाँ, अरे वो अभी फूल लेने गया था, वो अभी तक क्यों नहीं आया? माँ, वो फूलों के साथ साथ मिठाई भी ले आएंगे ना, आते ही होंगे। ठीक, वो देखो आ गया। अरे भाई, कोई मेरी मदद करेगा यहाँ पर? अरे ये क्या, अपने फूलों के ऊपर मिठाई रख दिया? नहीं, थोड़ा सा खाया था। माँ, बस एक आधे डब्बे से थोड़ा सा ही खाया था। एक आधे डब्बे से तू थोड़ा सा खाएगा, फिर वो बाहर आएंगे, वो भी थोड़ा सा खाएंगे, और वो लोग क्या खाएंगे जो आने वाले हैं? मिठाई लाया क्या?
क्या हुआ? एक मिनट मिली, एक मिनट लाइए डब्बा दे मुझे। हाँ। कोई मदद करो मेरी दीदी, एक आओ मुझे। अरे नहीं 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 साची, तू कुछ नहीं करेगी। अकेले रहने दे, रहने दे, हम लोग वैसे भी दिहाड़ी मजदूर है, हमारे एक दिन की पगार चली जाएगी। तुम्हारी शादी में ना सारा इंतजाम इस बच्ची ने किया था, और तब ये और भी छोटी थी। अरे ये राजी क्या से आए ना? बोरा गए सबके सब। अरे बेटा उषा, उषा मेरी बात सुन, वो प्रताप और उसके परिवार वाले हैं ना, वो लोग अच्छे भले सभ्य लोग हैं, बड़े लोग हैं बेटा, इन सब चीजों से उनके ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं जमने वाला। बाबू आपका अखबार मैंने रख दिया, आप जाके पढ़ लो। और सुनो, चाहे कोई भी हो, इतना तो मैं करूंगी, है ना? करो करो भाई करो। वक्त का नुकसान करना तो कोई इस घर की औरतों से सीखे। और तुम्हारा भाई इन्हीं के साए में। अब आप लोग और हम ही चल रहे हैं या श्रवण जी भी अपनी उपस्थिति का आशीर्वाद हम लोगों को देंगे? पापा श्रवण तैयार हो रहे हैं। भाभी की बातों से तो यही लग रहा था यार कि वो तारा की बात कर रही थी, लेकिन श्रवण बेटा पहले पूरी तसल्ली कर ले। हाँ यार, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। पहले ये पक्का कर लेता हूँ कि हम तारा से मिलने जा रहे हैं ना, लेकिन कैसे यार, पूछूंगा थोड़ी उनसे। घर वाले तो सारे बाहर बैठे हैं तैयार होकर, करूँ तो क्या करूँ। बस श्रवण का रिश्ता पक्का हो जाए तो मैं गंगा नहा कर आऊंगी। हाँ बिट्टू, श्रवण क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? मत पूछो दादी। हाँ? पेट में दर्द हो रहा है। या लिवर में या किडनी। अरे बेटा ना ना, सबसे बोल। हे भगवान। श्रवण बेटा, रात को तूने कुछ गलत सलत तो नहीं खा लिया था ना? नहीं माँ, खाली वेजिटेबल सूप लिया था। अरे सवेरे हाजमे में तकलीफ तो ना थी ना? दादी सीधा सीधा पूछे ना, लूज मोशन तो नहीं है तुझे? अब कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा ना? सुसू करने में कोई तकलीफ तो नहीं है तुझे? अभी आप लोग डॉक्टर बनना बंद कीजिए, और अमरीश डॉक्टर को फोन लगा। माँ मैं अजवाइन गरम करके लाती हूँ, उसका सेक कर देते हैं इसको। पुदीने का रस भी निकलवा दे। हाँ, इसको कमरे में ले चलो। कमरे में संभाल कर मेरा बच्चा, संभाल कर बेटा। जी जी। अरे फोन बज रहा है, कोई उठाएगा? मैं देख रही हूँ। बापू हेलो। हेलो जी, मैं इंदर जी से बात। अरे भाई साहब आप नाश्ते जी, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ उषा। आप लोग कब तक पहुँच रहे हैं? भाभी जी मैंने इसीलिए आपको फोन किया। दरअसल श्रवण की तबीयत अचानक खराब हो गई। आप लोग नहीं आ रहे? आज तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं जल्दी ही आपको फोन करके बताऊंगा कि हम लोग कब आ रहे हैं। अच्छा जी जी, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आज नहीं आ रहे, फोन करके बताएंगे कब आ सकते हैं।
डॉक्टर साहब मेरे बिट्टू को जल्दी ठीक कर दीजिए, घर में मैं बहू लाने में देर नहीं करना चाहती। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ठीक है। बहुत दर्द तो नहीं हो रहा ना? दादी माँ आप लोग जाइए, श्रवण को आराम करने दीजिए, मैं हूँ श्रवण के साथ। माधुरा चल 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 जी। ऐसे क्यों देख रही हो? श्रवण तू बाकी सब लोगों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। सॉरी। देख अगर तू नाटक कर रहा ना तो प्लीज मत कर, एक दिन बहुत भारी पड़ेगी तुझे ये हरकतें। मैं अभी आऊं। घंटी बज रही है, सुनो। मोबाइल नहीं उठा रही यार, घर। वर्मा। हेलो अंकल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हो आप? कौन चंचल? हाँ अंकल। गुड नाइट। वो तारा से बात करनी थी, बहुत जरूरी है, इमरजेंसी है, उसे खबर देनी थी जूनी के बारे में। क्यों? क्या वो डॉक्टर बन गई? नहीं नहीं नहीं। तो बाबा बनने वाली? नहीं नहीं नहीं। शादी हो रही है उसे? नहीं अंकल। तो फिर क्या जरूरी बात करनी? और वैसे भी तारा अपने मामा से मिलने गई। ओवर एंड आउट। बुड्ढा खुशट, तेरी शादी हो जाए, तू मां बन जाए। यार ये मुझे चंचल चंचल क्यों बोलता है? मेरे नाम से नहीं बुला सकता क्या? यानों से पूछ लेता हूँ। हेलो विरेन, हाँ बंटी को लेकर कैफे आ जा आधे घंटे में। ओके। सावन बेटा तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, मैं यूं गया और यूं आया। फोन नहीं आने वाला, चल शर मेरा, राची के घर का सामान वापस लौटा दे। जान जाए पर लच्छन ना जाए। जल्दी फोन करने वाले थे ना? कोई फोन वो नहीं आएगा। ये रिश्ता भी पिछले रिश्ते की तरह हाथ से गया। और कितना खर्चा करेंगे साची के ऊपर? कोई कुछ नहीं उठाएगा। मेरा दिल कहता है जायसवाल साहब फोन करेंगे। हाँ पापा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, उनका फोन जरूर आएगा। श्रवण साची को यूं ही थोड़ी ना जाने देगा।